प्रणाम सब गोटे के, हम पूजा प्रभाजा अपने सब गोटे के मिथिला किचन में स्वागत करे छी। पान तो सब गोटे के पसंदे है, किया तो पान के स्वादे एहन होइ छै जे ककरो खाइत देख लेलौं चाहे सुगंधो से अपना खाए के मन भ जाइ छै। तो हम सोचलौं किया न एबे राखी में अपन भाई सब के लेल पान मिठाई बनाबी और अहाँ सब के सेहो साझा करी। तो मिथिला किचन में लेने आयल छी पान ड्राई फ्रूट लड्डू, यानी कि एहिमे ड्राई फ्रूट मावा सब जे सूखल मावा सब होइ छै ओ सब द के बनायल गेल। जहिने ई नारियल के लड्डू देखे में नीक होइ छै तहिने खाए में तहिने स्वादिष्ट होइ छै। अहाँ सब वीडियो के पूरा देखब, यदि नीक लागे अहाँ सब के तो अहाँ सब से आग्रह अछि कि वीडियो के अहाँ सब शेयर नहि करै छियै तऽ शेयर अवश्य करब। तऽ चलू देखै छी कि ई नारियल लड्डू हम बनेलहुँ हैं केना। बहुत साधारण तरीका से हम एहिमे बनेलहुँ हैं। एकरा लेल हम 200 ग्राम दूध लेलहुँ हैं जेकि पहिले से गरम दूध अछि और ठंडा कयल दूध अछि। 200 ग्राम दूध लै छी, नॉर्मल कोनो दूध हुए से लऽ सकै छी, एहिमे कोनो जरूरी नहि छै फुल फैट देबै, किया तऽ एहिमे हम दूध पाउडर दऽ रहल छी। दूध पाउडर हम 50 ग्राम लेने छियै। अहाँ लग 10 रुपया वाला पैकेट अगर हुए तऽ ओ 3 टा लऽ सकै छी, आ नहि तऽ अहाँ लग पाउडर अछि तऽ 5 चम्मच अहाँ छोटका चम्मच सँ दूध के पाउडर लऽ लेब। आ 50 ग्राम एहिमे हम चीनी रख देलहुँ हैं और हम भूसी नारियल के भूसी 100 ग्राम लेने छी, लेकिन पहले एकरा घोड़े के छै। एहिमे 1 चम्मच घी दऽ देबै और 1 चम्मच घी देला के बाद में एकरा की करबै, गांठ नहीं रहे ओहि तरह से एकरा खूब बढ़िया से घोड़े के छै। दूध आ दूध पाउडर के खूब बढ़िया से चीनी के संगे एकरा मिला के घुरवाक छै जैसे कि गांठ नहीं रहे। जखन ई खूब नीक से घोड़ा लागे तखन एकरा आँच पर चढ़ा देबै और तेजे आँच पर एकरा बनेबाक छै, किया तऽ अपना सबके एकरा गाढ़ा करे के छै। तऽ कनी काल एकरा हम तेजे आँच पर खूब खौल देबै, खूब तखन तक खौलेबाक छै जखन तक खूब गाढ़ा नहि भऽ जाय आ जखन बुझा लगै कि आधा दूध रहि गेल अछि, ताबे मसा में जे भरबै लड्डू के बीच में जे भरबै मावा सब, जेना सूखल मसाला लेलहुँ हैं हम, बादाम, काजू, पिस्ता, अहाँ कोनो मसाला लऽ सकै छी। आर पान के पात, जेना कि पान के लड्डू छै तऽ हम काँच पान जे होइ छै हरियर पान से पान लेलहुँ हैं 3 टा, ओकरा मिही मिही के खूब के कतरि लेलियै, टुकड़ा कऽ के खूब के कतरि लेलियै, एकरा डाँट के निकालि देलियै, डाँट के खूब बढ़िया से काटि के निकालि देलियै और फिर एकरा लम्बा लम्बा में काटि लेलियै और फिर ओकरा छोट छोट कऽ के एकरा भुजरी जकाँ हम पान के पत्ता के एना कऽ के कटलियै। एहिमे मसाला सब दै के छै, जेनाकि पान के मसाला दै के छै तऽ हम गुलकंद लेलहुँ हैं 1 चम्मच, बेसी नहि लेलियै, बेसी सुगंध नीक नहि हेतै। एहिमे ताजा पान के सुगंध अगर अबै छै तऽ नीक लगै छै, तऽ गुलकंद लेलहुँ हैं और ई टूटी फूटी कहै छै, अगर हुए तऽ अहाँ दऽ सकै छी, नहि तऽ नहियो दऽ सकै छी, कोनो एहन नहि छै। खाली अहाँ मावे टा दऽ कऽ चाहे सूखल नारियल के खूब कसि कऽ सेहो अहाँ बना सकै छियै, या नहि अखरोड़, खजूर, अहाँ लग जे मसाला मावा हुए से अहाँ दऽ सकै छी। हम एहिमे 50 ग्राम काजू, बादाम और ई पिस्ता से लेने छी और पीसल चीनी 1 चम्मच पीसल चीनी पाउडर जे होइ छै से लेलहुँ हैं। और जेकि रंग छै पान के तऽ हम हरियर रंग सेहो लेलहुँ हैं, किया तऽ कनिक एक चुटकी रंग लागतै, ई रंग कोनो खराबी नहि करै छै, एक चुटकी रंग मात्र लागतै। और एकरा सबके मिलाबै लए मिल्कमेड, कि आसानी से मिल्कमेड अहाँके अमूल के भेट जाइ छै चाहे अहाँके दोसर कोनो कंपनी के, जेना मिठाई मेड होइ छै ना ओ सब अहाँ दऽ सकै छियै। तऽ पहिले एकरा मिला लै छियै, तऽ एहिमे हम चीनी के पाउडर 1 चम्मच चीनी पाउडर देलियै और मसाला जे ड्राई फ्रूट सब छलै से देलियै और गुलकंद दऽ देलियै, कटला वाला पान के पात छलै से और टूटी फूटी दऽ कऽ एहिमे हम मिल्कमेड जे छै सेहो दऽ कऽ मिलेबै। तऽ चीनी के पाउडर ओ मिल्कमेडो में अहाँके मिठास रहै छै, यदि अहाँ मिठास कम खाइत तऽ चीनी पाउडर अहाँ नहि देबै, लेकिन हम बैलेंस मिलाबै लए एहिमे देलियै यऽ, किया तऽ जे कम चीनी खाइ छी फेरो कहि रहल छी, जे कम चीनी खाइ छी से अहाँ चीनी नहि चीनी पाउडर नहि देबै। एहिमे हम मिल्कमेड से देलियै 2 चम्मच, एकरा खूब बढ़िआँसँ पहिले मिला लेबै और मिलाकऽ एकरा 10 से 5 मिनट, कि जाबे हमरा मसा अथी बनै छै उम्हर मिश्रण बनै छै नारियलके, ताबे एकरा हम फ्रिजमे धऽ देबै जैसे कि बढ़िआँसँ सेट भऽ जाए। 5 मिनट भेटत तऽ 5 मिनट, 10 मिनट अहाँ लग टाइम हुए तऽ 10 मिनट, कोनो एहन नहि छै। बस ई गाढ़ा भऽ गेल अछि, जाबे मसाला मिलौँ ताबे इहो गाढ़ा भऽ गेल अछि, आधा दूध रहि गेल अछि आब। आओर जेनाकि रबड़ी बनै कालमे जेहन होइ छै ओहि तरीकासँ बनबाक छै। एहिमे नारियल के भूसी जे छलै से धऽ देलियै और भूसी के सूखा होइ तक, दूध सोखै तक एकरा तेजे आँच पर लगातार चलेते मिलेबाक छै, नहि तऽ एकठाम बैसल रहत नीचासँ, किया तऽ सिट्ठी भऽ जाइ छै जखने अहाँ नारियल के बूरा देबै, बहुत जल्दी जल्दी सोखा लागै छै, तऽ नीचामे सोखा लागत तऽ ऊपरसँ अहाँके नीकसँ मिलल नहि रहत, ताहि दुआरे मिलबते एकरा सूखा करबाक छै। आओर जब अहाँके बुझाय लागे कि उठेला के बाद में अपने मन नहि खसि रहल यऽ, तऽ तखन
निकालि के एकरा ठंडा कर लेबे। आब एकरा निकालि के ठंडा करे के समय भ गेल छै, एक ठंडा कर लै छियै और ई कनिक ठंडा भेला के बाद पूरा गरम मे रंग नहीं मिलेबाक रहै छै, नहीं तो तीत भ जाइ छै, कनी करवाहट कनी आबि जाइ छै। ताहि दुआरे जखन अहाँ ठंडा भ जायत और कनी गरम रहत हाथ पर पकड़बै तऽ सुसुम बुझायत, तखन एहिमे चुटकी भर रंग अहाँ एहिमे मिला सकै छी। यदि एहिमे अहाँ रंग नहि चाहै छियै तऽ रंग नहि मिलेबै, और पान के पात के सेहो पीस कऽ ओकर रस निकालि देबै आ जे सिट्ठी बचल रहतै सेहो दऽ सकै छियै, आ या नहि तऽ पान के सेहो कतरि कऽ जेना हम मसालामे मिलै बीचमे भरै लए मसाला मिलेलियै तऽ तहनो अहाँ एहिमे दऽ सकै छी, ओहो अहाँके खाइमे आ देखैमे दुनू नीक लगै छै। हम रंग कोनो खराबी नहि करतै, बहुत नीक रंग छै ई, ताहि दुआरे हम एक चुटकी रंग दऽ रहल छी। जिनका परहेज हुए रंगसँ से नहियो देबै तहियो चलत, बस पान के सुगंध होबाक चाही, जेकि पान काँच पान दऽ देबै तऽ अहाँके सुगंध बहुत नीक आबि जायत। एकरा हम ठंडा कऽ लेलियै मिलाकऽ और हाथ में कनी घी लगा लेलियै, बेसी घी नहि लगेबै, बस हाथ में सटा नहि, ताहि दुआरे किया तऽ एहिमे चीनी देल अछि, चाशनी जकाँ ई भऽ गेल अछि तऽ कनी सटऽ लागत, ताहि दुआरे कनी घी लगेलहुँ हँ, बेसी घी नहि लगायब नहि तऽ फेर ई बहुत गील भऽ जायत। और एहिमे मसाला के कनी लड्डू जकाँ बना लेलियै और भीतरमे बीचमे एकरा हम दऽ कऽ चारू तरफसँ मोड़ि देबै, बहुत जल्दी और आसानीसँ मोड़ा जाइ छै, ई बनैमे कोनो झंझट नहि छै, बहुत जल्दी अहाँके सेट भऽ जायत, एकदम बीचमे मसाला रहत, चारू तरफसँ हल्का हल्का हाथे एकरा करबाक रहै छै, और हल्के हाथे करबै तऽ आओर जल्दियो भऽ जायत और एकर लड्डूके जे डिजाइन शेप होइ छै से अहाँके खूब सुन्दर बनि जायत। अहिनाके सबटाके बनाकऽ तैयार करनाइ छै, कोनो एहिमे ई नहि छै, और सूखल नारियलके भूरा जे होइ छै से दऽ कऽ एकरा ऊपरसँ सेट करबाक छै। एनाकर लड्डू बनि गेल अछि, अहिनाके जते अछि सबके लड्डूके अहिना बनेबाक छै, कोनो झंझट नहि छै, बड़ा आसानीसँ बनि जाइ छै। ओहोमे अहाँ मिल्कमेड आओर चीनी जे दऽ देलियै आओर कनिकाल फ्रिजमे दऽ देलियै तऽ ई मावाके मसाला जे सेहो कड़ा भऽ गेल छै, ओहो अहाँके भसरत नहि, मने जेनाकि बीचमे देलियै तऽ अलग नहि भऽ जायत, एकदम जतेक देबै ततेक ओ रहि जायत। कनि हाथसँ दबा कऽ दै छियै तऽ आओर नीक होइ छै। तऽ अहिनाके लड्डू सबटाके बनेनाइ छै, सुकलहा जे नारियलके भूरा छै ओहिमे एकरा लपेट देनाइ छै, देखोमे नीक लागै छै आ सूखासँ ओकर जे प्रकाश जे लसलसपन रहै छै सेहो सोखि लै छै। ड्राई फ्रूट लड्डू बनि कऽ तैयार भऽ गेल अछि, ई एखन गील अछि, कनि एखन नरम लागि रहल अछि, एकरा की करबै कि फ्रिजमे आधा घंटाके लेल राखि लेबै, यदि जरूरी अछि तऽ आधे घंटा तक राखि लै छी, आ नहि तऽ अहाँ 4-5 दिन पहिले बना रहल छी, राखिए दिन अगर निकालब तऽ सेहो ओहिमे एक महीना तक अहाँके फ्रिजमे राखि कऽ ई मिठाइ खराब होइवला नहि अछि। जे आधा घंटा एक घंटाके बादमे ठंडा भऽ जायत तऽ एकरा काटि कऽ देखबै, जे अपनासँ मावा सब भरलियै या बीचमे मावा मसाला सब, ओ देखैमे एतेक नीक लागत आ सुगन्ध तेहने नीक लागत। तऽ एखन तऽ बहुत गील अछि, एखन एकरा काटैके कोनो आवश्यक नहि छै, एकरा बादमे काटबै। अहाँ हमरा उम्मीद अछि अहाँ सबके ई पान मिठाइ बड़ नीक लागल होयत, अहाँ सब जरूर बनाउ ई पानके लड्डू और अपन प्रतिक्रिया हमरा कमेंट कऽ कऽ जरूर कहू, आ नीक लागय तऽ अहाँ सबसँ फेरसँ आग्रह करै छी कि वीडियोके शेयर करू और हमर चैनल मिथिला किचनके फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कऽ दियौ, और जँ केओ नया छी तऽ हमर फेसबुक पेजके लाइक फॉलो अवश्य करू, भऽ सकय तऽ शेयरो कऽ दियौ। धन्यवाद अहाँ सबके, अहाँ सबके रक्षाबंधन शुभ हुए। जय मिथिला, जय मैथिली।